तो फ्रेंड्स अब आते हैं इस प्लांट को हम पानी कब दें। तो इस प्लांट को पानी तभी दीजिए जब इसके ऊपर की जो सॉइल की लेयर है वो बिल्कुल ड्राई दिखे या फिर बिल्कुल ड्राई हो जाए। इस प्लांट को एकदम रेगुलर पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। प्लांट के साथ जो डेड इन्फेक्टेड और डैमेज्ड प्लांट पार्ट्स रहते हैं उसको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना चाहिए ताकि आपकी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो और प्लांट हेल्दी भी दिखे। इस प्लांट को आप बहुत ही इजी वे में भी प्रोपागेट कर सकते हैं। पहला वे तो देखिए, इसके नीचे जो बहुत सारे ये सब बेबी प्लांट्स नीचे निकलते रहते हैं इस तरह से देखिए, ये तो रिपोर्टिंग के टाइम आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करके न्यू प्लांट लगा सकते हैं। और आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। देखिए, मैंने एक कटिंग लेके इसको सिर्फ पानी में रख दिया था तो देखिए कितने दिन बाद इतने अच्छी तरह से रूट डेवलप हो चुके हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि इस प्लांट को नासा ने भी रिकमेंड किया है एज ए एयर प्यूरिफायर प्लांट। तो फ्रेंड्स, ये थी एग्लोनिमा प्लांट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आप लोगों से शेयर की। आई होप आपको ये अच्छी लगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।